नमस्कार, वी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ अग्रसेन चौक पर, जिसे लोग मोहन नगर चौक भी कहते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का ये सबसे बिजी चौक है और आप देख सकते हैं कि वाहनों का जो आना जाना है किस तरह से लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये रोड ही अच्छी तरह से नहीं बना था पहले, लेकिन अब जैसे कैसे इसको थोड़ा दुरुस्त किया गया। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों की गलती नज़र आती है कि लोग जहाँ तहाँ सड़क पर बड़े वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर शाम के वक्त और सुबह के वक्त काफ़ी जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि एक गलती की वजह से, क्योंकि अगर आप इस रोड पर कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं, बाइक लगा देते हैं, तो उससे खासी परेशानी आती है, क्योंकि ये सबसे जो है भीड़भाड़ वाला चौक माना गया है। और कहने को तो यहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का क्वार्टर भी बना हुआ है। यहाँ पर 24 घंटे पुलिस रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन इतना भर होने से काम नहीं चलता। जब ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी मिलती हैं तो या तो चालान काट दिया जाता है या इनको यहाँ से उठा दिया जाता है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि समस्या का समाधान तभी होगा जब लोग समझेंगे कि वो जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़े करते हैं रोड पर, वो गाड़ियाँ मत खड़ी करें, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आने जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनमें सब में दिक्कत आती है। आप दूसरे के लिए समस्याएँ पैदा करते हैं, खुद के लिए समस्याएँ पैदा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपनी इस न्यूज़ में बताना चाहेंगे कि लोग जो यहाँ पर जो सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं वो सही नहीं है। आप एक निश्चित जगह पर ये खड़ी कीजिए। ट्रैफिक पुलिस को भी ये चाहिए कि वो एक बार ये चालान पर ही निर्भर ना करें कि चालान काट दिया, इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को बताएं और गाड़ी को तुरंत कहीं और खड़ी करने की व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है एकदम से, तो निकलना भारी हो जाता है। तो जब यहाँ से लोग निकलते हैं, दूसरे वाहनों को खड़ा हुआ देखते हैं, तो उससे जाम की स्थिति बन जाती है। तो त्योहारों के मौसम में तो ज़्यादा स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्योंकि त्योहारों के टाइम में सब अपने वाहनों से निकलते हैं और जहाँ तहाँ जैसे कैसे वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो समस्या है, ये लोगों को समझनी चाहिए कि वो अपने वाहनों को इस तरह से खड़ा ना करें और समझें इस बात को। और पुलिस को भी अपनी जो एक जवाबदेही वाली ड्यूटी है वो निभानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ रहती है, पास ही स्कूल है, 13 सेक्टर है, इधर मोहन नगर है, तो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कैमरामैन साबिर के साथ नगेंद्र शर्मा।